अच्छा खाना किनको अच्छा नहीं लगता। अब खाना अच्छा हो, जायकेदार, मज़ेदार, लजीज, उसका अपना ही मज़ा। फ्रेश वन के एक और एपिसोड के साथ मौजूद हूँ इकबाल शाह। आज रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही खास, सीख कबाब मसाला की रेसिपी की जानी। सबसे पहले फ्रेश वन का बीफ कीमा लगभग हाफ के जी बाउल के अंदर ऐड करते हैं। मैरिनेशन में सबसे पहले नमक लगभग हाफ टी स्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 और 2 टी स्पून, काली मिर्च कुटी हुई हाफ टी स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टी स्पून, 1 अदद अंडा लिया, 1 अदद ब्रेड स्लाइस से चॉप करके इसी के अंदर ऐड करना है, ज़रा सी अनियन प्याज, साथ ही ज़रा सा ग्रीन कोरिएंडर। अब इसे कर लेना है बहुत अच्छी तरह से मिक्स। 2 to 3 आवर्स तक रखेंगे, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। चलते हैं कबाब की जानिब। इस तरह आपने हल्का सा हाथों पे ऑयल अप्लाई किया और उसके बाद इस तरह से दबाया और उसके बाद इस तरह आपने गोल कर लेना। कुकिंग ऑयल लगभग हाफ कप ऐड किया और इसी तरह जो कबाब हमने तैयार किए थे एक एक करके पैन के अंदर कर लेना फ्राई। कबाब का मसाला तैयार करने के लिए कुकिंग ऑयल हाफ कप, प्याज के 2 पीस के और स्लाइस कर लेना है। शामिल करते हैं पिसा हुआ अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। भुनाई का सिलसिला जारी रखिए और इसके साथ ही हमारे कबाब जो तैयार हो चुके हैं उसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही खास इसका शाही अंदाज में कौरमा बना रहे हैं, जिसके लिए दही 3 कप हमने दही ऐड किया। जहाँ से हुआ जायके का आगाज, सॉल्ट, धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टी स्पून, करनी इसकी अच्छी तरह से भुनाई, ज़रा सा पिसा हुआ गर्म मसाला स्प्रिंकल करना है और फ्रेश वन के बहुत ही खास टेम्पटिंग कबाब सॉस के अंदर आपने डिप करना है कुछ इस तरह से। ज़रा सा ग्रीन कोरिएंडर, धनिया और अदरक ऐड करने के बाद लगभग 2 मिनट तक इसे कवर कर लेना है धीमी आंच पे। जूसी यमी टेम्पटिंग कबाब, ये दानेदार कोरमा ऑन द टॉप ऑफ कबाब विच विल मेक इट मोर स्पेशल। गार्निश के लिए जरा सा ग्रीन कोरिएंडर, लेमन के रिंग्स एंड टू मेक इट मोर कलरफुल टमाटर, सलाद पत्ता, जरा सा दानेदार कोरमा और चपाती के साथ जब इसका बाइट लेंगे डेफिनेटली बहुत ही आला। जरूर ट्राई कीजिए। मुझे इकबाल शाह को दीजिए इजाजत इसी बात के साथ, हयात लेके चलो चाहे कायनात चलो तो जमाने को साथ लेके चलो। थैंक यू, खुदा हाफिज़।